हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स बिलाल खालिद हेयर। वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। आज हम अपना वीलॉग शुरू कर रहे हैं। हम रियाज से मदीना ट्रैवल करेंगे। दिस इज़ अ वीकेंड ओवर हेयर इन रियाज। सो प्लान ये है कि हम मदीनातुल मुनव्वरा जाएंगे, इंशाल्लाह फजर की नमाज़ वहाँ पर अदा करेंगे, जुमा की नमाज़ के बाद वहाँ से वापस आएँगे। अभी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ मैं, बिकॉज लास्ट टाइम हम जब मक्का गए थे तो गाड़ी का ऑयल मैंने चेंज उससे पहले का करवाया होता। अभी 4000 गाड़ी चल गई है, तो आज ऑयल चेंज करवा के फिर अभी अफ्तारी के टाइम या अफ्तारी के बाद निकलेंगे। अभी यहाँ पे इस टाइम 3 बजने वाले हैं, तो अफ्तारी के टाइम निकलेंगे यहाँ से ताकि फजर की नमाज तक हम वहाँ पहुँच जाएँ। 800 किलोमीटर का हमारा जर्नी होगा ये, और आराम आराम से भी जाएँ तो इंशाल्लाह 7 आवर्स में हम पहुँच जाएँगे वहाँ पर। चलें तो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इंजन ऑयल हमने चेंज करवा ली है और अभी मैं उसको बोल रहा हूँ गियर ऑयल चेक करें, और मीनवाइल मैं इसकी जो ऑयल वाली इसके उसको ट्रिप कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए हमने ऑयल कब चेंज करवाया था। ऑयल चेंज करवाने के बाद निकल रहा हूँ यहाँ से, गियर ऑयल भी चेक करवा लिया है उससे मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज फाइन। इफ्तारी का सामान रख लिया है, हाफिज़ ने आज बिरयानी बनाई है, तो हम मदीना रोड की तरफ जा रहे हैं। जैसे वैसे मैंने पहले बताया था गाड़ी का ऑयल भी चेंज हो गया है, और मैंने अभी निकलने से पहले पेट्रोल भी डलवा लिया है, तो बस अभी हम इफ्तारी के लिए थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे, उसके बाद हमारा और कोई रास्ते में रुकने का प्लान नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं रियाज सिटी के बिल्कुल एंड की तरफ ही हूँ, ये रिंग रोड है, और हमें आई थिंक चेक पॉइंट तक जाते हुए 45 मिनट तक लग ही जाएंगे। अभी शाम के यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं और आधा घंटा बाकी है सनसेट होने में, तो आगे रोज़ा इफ्तार करते हैं कहीं पे रुक के, तो उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अभी हम सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आएगा। अभी इस वक्त हम रिंग रोड के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं और सनसेट होने वाला है। ऑलमोस्ट सिटी से बाहर आ गए हैं हम, और अभी स्पीड लिमिट हमारी 120 हो चुकी है ऑफिशियली, और रफ्तारी में अभी टाइम बाकी है ऑलमोस्ट 15 मिनट, तो आगे जाके कोई साइड पे जगह देख के रोकते हैं और रफ्तारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहब, लास्ट टाइम हमारे साथ मक्का गए थे, तो आज फिर हाफिज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है हमारे इस वीलॉग में स्पेशली, और फ्यूचर में भी और हमारे वीलॉग्स आपको आएंगे इंशाल्लाह। हम ट्रिप करने का प्लान कर रहे हैं जॉर्डन और फ्रांस पेरिस, और वेरी सून हमें हम आपको यूरोप में मिलेंगे। सिटी से ऑलमोस्ट बाहर आ गए हैं हम, और अभी भी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, चेक पॉइंट देखते हैं हमें मिलती है या नहीं। चेक पॉइंट से पहले अगर इफ्तारी का टाइम हो गया तो रुकेंगे, अदरवाइज चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद रुकेंगे। रोड सारा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं। पॉइंट क्रॉस कर लिए हमने, और अभी हम यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, इफ्तारी करते हैं, तो उसके बाद अपना सफ़र जारी रखेंगे।
वगैरह देख सकते हैं। जी तो सनसेट हो गया है, अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ से। आप ये देख सकते हैं ये मदीना हाईवे है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी के टायर में हवा कम है, तो आगे किसी पेट्रोल पंप पे रुक के चेक करते हैं इसको। मैंने आने से पहले हवा चेक नहीं की थी, वैसे तो हमारे पास कंप्रेसर भी है। चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। जी तो दोस्तों अभी हमने आई थिंक 100 किलोमीटर ही किया है, तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है और थंडर स्टॉर्म सो रहे हैं। आई डोंट नो कि ये तूफ़ान जो है कितनी दूर तक रहेगा, आप देख सकते हैं। तो अल्लाह ख्याल करे अभी अगर ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश ना हो, हल्के हल्के से बारिश हो रही है और साथ में रुक रही है। और अभी हमने सिर्फ 100 किलोमीटर ही किया था, तो मैं कोई अच्छा सा सास्को का फिलिंग स्टेशन देख रहा हूँ ताकि वहाँ पर हम कॉफ़ी लें और हमें अभी नमाज भी अदा करनी है, तो आगे जाके आपको आगाह करता हूँ। पहुँचे हैं हम यहाँ पे एक गैस स्टेशन पे, तो यहाँ पे कोई चाय या कॉफ़ी वगैरह देखते हैं अगर हमें कहीं से मिल जाए। यहाँ पे आए हैं, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, लेट्स सी। उसको ऑर्डर दिया है, बंदा बना रहा है। दो सौ किलोमीटर हुआ है सर अभी, हमारा डिस्टेंस 600 किलोमीटर बाकी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा फ्रेशमेंट के लिए रुके थे, अभी थोड़ा पानी लेते हैं और फिर हाईवे की जाना पड़ते हैं वापस। जी यहाँ से फ्रेशमेंट के बाद अब जा रहे हैं हाईवे की तरफ, और आई थिंक हमने यहाँ पे कोई 40 मिनट्स स्पेंड किए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है।
चाय ऑर्डर की थी हमने अभी यहाँ से, तो चाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सामने हाईवे है, हाईवे के बिल्कुल साथ खड़े हैं हम। यहाँ से दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अलगसीम रीजन में दाखिल हो चुके हैं अभी, और ये अलगसीम रीजन की मेन चेक पॉइंट है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं तो मुझे अपना अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक्स क्लियर। जी गाइस, अभी 400 किलोमीटर करने के बाद इधर एक ऑरेंज स्टेशन पे पहुँचे हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं और फिर यहाँ से इंशाल्लाह आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और अभी रात के 9:45 हो गए। ना कैश कम से है? चेक पॉइंट भी क्रॉस कर ली है और सिटी में दाखिल हो रहे हैं अब। ऑलमोस्ट आई थिंक 10 किलोमीटर बाकी है सिटी, और अभी यहाँ पे सुबह के 1:30 बज रहे हैं और हमने जो अपना सफ़र है ये तकरीबन 7 घंटे में तय किया है। मदीनातुल मुनव्वरा में सर हम एंटर हो चुके हैं, और वह जो सामने आपको मीनार नज़र आ रहे हैं वो मस्जिद कुबा के मीनार हैं। थोड़ा पास जाके थोड़ा विजिबल होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इधर से हरम की तरफ एग्जिट ले लिया है, वो जो मस्जिद कुबा है वो हमारी लेफ्ट साइड पर रह गई है। अगर मैं आपको कैमरा तो ले जा कर दिखाऊँ तो ये मस्जिद कुबा के बारे में कहा जाता है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा आए थे तो इस जगह पे आपने पहले क़याम किया था और यहाँ पे मस्जिद बनाई थी। वो दूर रह गई है कहीं पे, यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। और हम ये हरम की तरफ जा रहे हैं और देख सकते हैं कितने ट्रैफिक जाम है। ये बोर्ड भी लगा हुआ है हरम का और ये रोड सीधा हरम को ही जाता है। पीछे हमने रुकना था ज़रा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, बट मदीना तक पहुँचते हुए रास्ते में मुझे कोई वो फिलिंग स्टेशन नहीं मिला 300 किलोमीटर तक। तो कोई नहीं, सिटी के में आ गए, हम सिटी से डलवा लेंगे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, अभी हम जा रहे हैं ऊपर। और भैया यहाँ पे अपना वीलॉग एंड करता हूँ, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ऑल द बेस्ट।